जब हर्षित हो जाता है मन के अनुकूल, तब अभिमान में ऊंचे स्वर से बात ना करे, अपने अभिमान में ना रह जावे कि बोल चाल में भी पता चले कि ये अभिमान इसके अंदर आ चुका है। और बुरे समय में भी वह इतना कहां है भगवान, कौन कहता है भगवान, वह बोलते हुए सम रहने का प्रयत्न करे कि ये समय तो सबके ऊपर आता है, मेरे ऊपर अकेले पर नहीं आया, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सबके ऊपर आना है। वे कैसे बोले सुसमय में और कुछ समय में, ये वर्णन किया गया। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इसी प्रकार जब यह मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषय से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। अब आंख का जो ये उदाहरण दिया, कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोर लेता, जब भयकारी जीव को देखता है अपनी ही खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है। आंख ये ज्ञान इंद्री है। अब आंख किसी वस्तु को देख लिया, ये मुझे प्राप्त हो, अब इतने अंदर समर्थता नहीं है कि वह मैं खरीद लूं, परंतु आंख ने देख ली, अब तो ये मुझे चाहिए। क्या डाका डालेगा जब समर्थता नहीं है? यहां से भीतर पाप कर्म करने की प्रारंभ हो जाते हैं। जो तो भगवत भक्त इस ओर लगा हुआ है, वह तो उस ओर की मेरे समर्थ से बाहर है, अपने आप को पीछे हटा लेगा। जो भक्ति भाव में नहीं है वह बुरे कर्म करेगा, किसी की सुंदरता को देखकर उसको उठा लेना, जैसे रावण ने किया माता सीता के साथ। आंख का विषय है सुंदरता को, वो देखी, कोई अच्छी चीज देख ली, अब मुझे ये चाहिए। यहां से पाप करने आरंभ हो जाते हैं, जैसे कछुआ भयकारी जीव को देख करके अपने अंग संकुचित कर लेता है। हे मानव, जो तेरे लिए हानिकारक है उस ओर तू भाव ही ना लेके जा, विचार ही उस ओर ना कर, अन्यथा ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जैसे रावण को नहीं छोड़ा। आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है, क्योंकि अब आंख ने देख लिया, अब बुद्धि युक्ति बताएगी, जो तो सात्विक बुद्धि का होगा। भाई वो चाहिए, ये एसेट छोड़ दो, वो एसेट चार छोड़ दो, एक बड़ा ले लो, तो ये बुद्धि बताएगी अब उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। अब बुद्धि अगर उस भाव के साथ उलट जावे, पैसा नहीं है, चोरी कर लो, डाका मार लो, किसी का कत्ल कर दो, उसका धन छीन लो और ये प्राप्त कर लो, बुद्धि ये निर्णय कर देती है विषय को तू कैसे प्राप्त कर सकता है, विधि अनुसार अथवा अविधि से। उस विषय आंख ने देखा, अब बुद्धि वह प्राप्ति के लिए साधन बताएगी। अगर तेरी निश्चित निश्चल बुद्धि नहीं है तो तेरे को भटका देगी, बुरे काम में लगा देगी। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पाप में विषयों को देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसका सम्मान है। सत में कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है,
अब निराहार रहकर जो कहते हैं व्रत रख लेना है, भगवान ने कहा है। अब मानव ने व्रत तो रख लिया, मैं आज दिन भर भोजन नहीं करूंगा, परंतु रखते ही रात्रि को जब व्रत मैंने पूरा करना है तो मैं ये व्यंजन खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, आज रात को मैं ये खाऊंगा, अब उसकी लालसा बनी हुई है, अब व्रत रखा हुआ है, जबरदस्ती उसने अपने आप को रोका हुआ है, मन से नहीं रुका हुआ, मन उस विषय को भोगना चाह रहा है। भगवान ने इस पर चोट की, जो कार्य करना है मन से करो, अगर मन खा करके ही, ऐसा नहीं कोई निरअन्न रहेगा उसको भगवान मिलेगा, जो खाएगा उसको भगवान नहीं मिलेगा, स्वयं भगवान ने कहा है। निरा रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों के विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों के मुख को बंद कर लिया उसने, मैंने मुख में अंदर पानी नहीं डालना, भोजन नहीं डालना, यह कर्म इंद्री का काम उसने बंद कर दिया। लेकिन ज्ञान इंद्री वह लालसा, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं, उनके भोगने के लिए तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है, निराहार रहने से, बिना भोजन खाने से। ये अधिक जो व्रत रखे जाते हैं वह सेहत के लिए दुखदाई हो जाते हैं, कष्टकारी हो जाते हैं, क्योंकि भीतर जो देवता है जठराग्नि, वह देवता को भोग लगाना होता है, उस देवता को भूखा रखना वह अपने शरीर के साथ हानि पहुंचा देता है। भगवान ने कहा, निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है, उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है, और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। अब मन से चिंतन कर रहा है, मैं सायंकाल उपवास के पश्चात ये खाऊंगा, इससे बेहतर भगवान ने कहा तू अभी खा ले, क्योंकि तेरी वृत्ति अब टिकेगी नहीं, वृत्ति नहीं टिकेगी, तेरा जाप पाठ भी नहीं हो पाएगा, तेरा कोई काम ठीक नहीं होगा, वृत्ति अगर केंद्रित नहीं है तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। निरन्न रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशीली उचित पदार्थों का उपभोग, उचित पदार्थों का, क्या खाना है, क्या करना है, क्या मुझे पान करना है, पीना है, उचित पदार्थ उपभोग करता हुआ भी रस रहित होता है, ललायत नहीं होता। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है, विषयतीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम कि मैं उपवास करके उस प्रभु को प्रसन्न कर लूं, वह मेरे से प्रेम करे। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता। आज अज्ञान दूर कर रहे हैं भगवान हमारा, हमें क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान हमें दे रहे हैं। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है।
अब उसकी अकरण अकारण बिना कारण अकारण बिना कारण कृपा जिस पे हो जाए। अब बिना कारण कृपा उसकी कैसे होती है? जो जैसा भगवान ने कहा मेरे को कैसा भक्त प्यारा है, जब वह मानव वैसा भक्त बन जावेगा, उसका व्यवहार हो जावेगा, उसका उठना बैठना कार्य करना जब उस अनुसार हो जाएगा, केवल जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हे मानव तुझे कैसे रहना है वैसा रहना सीख लेवे, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देता है, भगवान का प्रेम मिल जाता है, भगवान का संग मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है, भगवान ऐसे भक्त के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। परम पुरुष की पराप्रीति से रहत होने पर हे कुंती के पुत्र यतनशील, अब तू कितना भी यतन कर ले, यतनशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, जैसे समुद्र में नौका खड़ी है, समुद्र का जल शांत है, परंतु नौका कुछ नहीं कर रही, ज्वार भाटा आ गया, ऊंची ऊंची लहरें आ गई, जो नौका स्थायी रूप से खड़ी थी